हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट आया है कि सर हमारा पेमेंट प्रोसेस में है बट हमें पैसा नहीं मिला है, तो ये पैसा हमें कब तक मिलेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको करना चाहते हैं और ये जो पैसा रुका हुआ है, जो पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है, इसका पैसा हमें बताइए कि कब मिलेगा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा कि जो पैसा पेमेंट प्रोसेस में कर दिया गया है और इन किसान भाइयों को पैसा कब मिलेगा। जबकि बात करें लैंड सेंडिंग की बात करें तो वो अभी नो है, तो वो भी यस हो जाएगी और आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। तो आज मैं आपको इन्हीं के सवाल के जवाब दूंगा और लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले बेनिफिशियरी स्टेट में, हम एक बार चेक करते हैं। तो चलो हम पहले बेनिफिशियरी स्टेट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम इसमें मोबाइल नंबर और आधार नंबर मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उसको हम यहाँ पे एक बार डाल लेते हैं और ये कैप्चा भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास में रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है तो उस वेब वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 100% मिल जाएगा। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैप्चा भी फिल कर दिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दिया, उसके बाद ये डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे किसान भाइयों को जो है वो पैसा नहीं मिला है, ठीक है, और जो पेमेंट है वो प्रोसेस में आ रहा है। काफी सारे किसान भाई यहाँ पे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी बाकी जो डिटेल्स है वो सही है, बट यहाँ पे लैंड सेंडिंग की बात करें तो नो है और पेमेंट प्रोसेस में है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा लैंड जो है, यहाँ पे लैंड सेंडिंग की बात करें तो ये आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेंगे तभी होगा, और अगर आप लैंड सेंडिंग में डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर दिए हैं फिर भी नो आ रहा है तो ये पेमेंट प्रोसेस वाले हैं, इनको पैसा मिलना स्टार्ट भी हो गया है और इनको पैसा इनके अकाउंट में आ भी रहा है। तो एक बार अपना बेनिफिशियरी स्टेट भी चेक करते रहे और बैंक अकाउंट है उसको भी जाकर एक बार चेक कर ले, उसका स्टेटमेंट निकलवा लें क्योंकि उनको भी यहाँ पे पैसा मिला है। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको बताया था जिन किसान भाइयों का पेमेंट प्रोसेस में आ रहा है तो उनको भी पैसा यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है, तो आपको भी मिला होगा। आप एक बार जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेट चेक करें या फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट है उसको जाकर चेक कर लें, ठीक है। तो इनका पैसा जो है तभी मिलेगा जब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि, और उस वीडियो में साफ साफ बता दिया है कि वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ जमा करना है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिला है, ठीक है। वो पैसा आप मतलब जो डॉक्यूमेंट है उनको जमा कर दोगे तो 3-4 दिन के बाद जो है आपका जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा और जो पेमेंट प्रोसेस वाले हैं उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं जिससे मैं आपकी यहां पे हेल्प करूंगा। तो बस किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।